तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पल्सर 125 सीसी के 5 नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, जिससे कि आपको पता लगने वाला है कि हमको आखिर में पल्सर 125 सीसी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। ये जो 5 नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ मेरे 3500 किलोमीटर चलाने के बाद का ही एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ में डिटेल्ड में आज शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले नंबर का जो नेगेटिव पॉइंट हमने रखा है उसके बारे में। दोस्तों पल्सर 125 सीसी बाइक में जो हेडलाइट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल नहीं दिखेगा, और इससे इसमें 35-35 वाट का हेलोजिन हेडलाइट बल्ब रहता है, जो कि आप जब इसको स्टार्ट करेंगे, बाइक को स्टार्ट करते ही आपका हेडलाइट ऑन हो जाएगा, और ये जो है ये रोड का व्यू आपको क्लियरली नहीं दिखाएगा। क्योंकि मैंने इसी 3-4 महीने पहले ही मैंने बाइक को परचेस किया था, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं सबको पता है कि मैंने बाइक को कब परचेस किया था, उसका भी वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड किया है। तो ये 3-4 महीने, मेरे ख्याल से 4-5 महीने हुआ है, तो ये 5 महीने का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो हेडलाइट है बढ़िया रोशनी मुझे नहीं देता था, और रात के समय में तो बिल्कुल भी रोड का व्यू नहीं दिखता था, और जब आगे से कोई बाइक आती थी या कोई गाड़ी आती थी तो फिर तो बिल्कुल मुझे जीरो के स्पीड में ही चलाना पड़ता था। मान के चलो कि 10-20 के स्पीड में ही मुझे बाइक को राइड करना पड़ता था। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें हेडलाइट बल्ब को मॉडिफिकेशन किया। 60-55 वाट का जो हेलोजिन हेडलाइट बल्ब होता है वो मैंने उसमें लगाया हुआ है। इसमें जो पुराना हेडलाइट बल्ब था वो इस तरीके का है, तो इसको मैंने एक्सचेंज करके 60-55 का हेलोजन बल्ब लगाया हुआ है। और एक चीज़ आप और इसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है उस वीडियो का। क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसको लगाते हैं, नॉर्मली लगाने के बाद आपका जो हेडलाइट है उतना रोशनी नहीं देगा, उसके वजह से हम लोगों को हेडलाइट का एक रिले लगाना पड़ता है जो कि फोर व्हीलर्स में लगा रहता है। तो उसको हमने मॉडिफिकेशन करते समय में लगाया है, और उसी की वजह से आज मेरे बाइक में हेडलाइट का रोशनी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। आप समझ सकते हैं 35 वाट, जहाँ पे 35 वाट का बल्ब लगा हुआ था वहाँ पे 60-55 का, मतलब 60 वाट, यही मान के चलो कि रोशनी उसकी डबल हो जाएगी। तो हमारी बाइक में रोशनी उसकी डबल हो गई है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट जो कि पल्सर को इम्प्रूव करना चाहिए था, ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो इस बाइक का है वो है इसका पिकअप। दोस्तों पहले दूसरे गियर में तो ठीक है, पहले दूसरे गियर में नॉर्मली ठीक पिकअप दे देता है, लेकिन अगर जैसे पहाड़ी इलाके की बात करो, देखो अगर आप इसको प्लेन इलाके में चलाते हैं तो बात अलग है, और लेकिन अगर आप इसको पहाड़ी इलाके में चलाते हैं, लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, माइलेज की बात करते हैं, माइलेज की बात भी मैं बाद में करूँगा क्योंकि माइलेज का भी कुछ इशू है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, माइलेज का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। अच्छा, तो बात करते हैं इसके पिकअप के बारे में। दोस्तों इस बाइक का जो वज़न है वो है 145 किलोग्राम, और बजाज 150 का जो वज़न है वो है 155 किलोग्राम, इससे महज 10 किलोग्राम ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि जिस बाइक में 125 सीसी का इंजन दिया गया है तो उसमें इतना वज़न देने का क्या मतलब है। कंपनी में किसी भी और कंपनी का अगर 125 सीसी का बाइक ले लोगे आप तो उसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होगा, और उसकी वजह से इसका माइलेज जो है काफ़ी हद तक आपको कम मिलता है देखने को। दोस्तों इसका माइलेज की बात मैं बाद में करता हूँ, और पिकअप, उसी की वजह से ही पिकअप इसका काफ़ी हद तक कम मिलता है हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोगों को इस बाइक का पिकअप भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, और अगर आप पिलियन को लेकर के इस बाइक को राइड करते हैं तो ऐसे में काफ़ी हद तक
पिकअप लैग हो जाता है और काफ़ी स्लो स्लो आपको राइड करना पड़ेगा पहले दूसरे तीसरे में। कई बारी तो मुझे ऐसा भी फील हुआ कि मुझे डायरेक्टली पहले गियर में बाइक को चढ़ाना पड़ा। जब मैं पिलियन को बिठा करके मैं राइड कर रहा था तो ऐसे में मुझे पहले गियर में भी बाइक को चलाना पड़ा था। अब दोस्तों एक वाइटल प्रॉब्लम इसमें बजाज ने किया है, वो है रस्टिंग का। रस्टिंग इसमें बहुत जल्दी लग जाता है। मैंने बाइक को लिया है लगभग 4-5 महीने हुआ है, तो 4-5 महीनों के अंदर मेरे बाइक के टैंक के अंदर रस्ट हो गया है, रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। मुझे लगता है, मैंने बजाज से बात भी किया, बजाज के शोरूम से जहाँ से मैंने परचेस किया था वहाँ पे मैंने दिखाया भी था। और इसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं बाइक को मॉर्निंग टाइम पे स्टार्ट कर रहा था तो बाइक मेरी स्टार्ट नहीं हुई। लगभग मान के चलो कि 1.5 घंटे तक मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बाइक को स्टार्ट करने के लिए। फिर जैसे तैसे बाइक वहाँ से स्टार्ट हो गई। हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो टैंकी के अंदर छोटा सा होल होता है जिस होल से पानी को बाहर जाना चाहिए, वो होल भी इसका ब्लॉक हो गया था। और उस ब्लॉक हो जाने की वजह से उसका जो पानी है वहीं पे जमा हुआ था, और जमा रहने की वजह से वो टैंकी के अंदर चला गया। जब मैंने माइलेज टेस्टिंग वीडियो बनाया था अभी इससे पहले, जो मैंने माइलेज टेस्टिंग वीडियो बनाया था उसी वीडियो में जब मैं ऑयल डाल रहा था बाइक में, तो डालते समय में ज़्यादा नहीं 4-5 बूंद ही गिरा होगा। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा कहना तो यही है कि जहाँ पे भी आप बाइक को खड़ी करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा बाइक को ढक के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जो है टैंक में पानी जा सकता है और वहाँ पे रस्ट लग सकता है। आपके भी अगर नई बाइक है तो नई बाइक में भी रस्ट लग सकता है, तो इसके लिए आप जहाँ पे भी बाइक को खड़ी करते हैं अगर बारिश का मौसम है तो आप उसको ढक के रखा कीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 4 में है मीटर कंसोल की बात। दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल मिलता है, बजाज ने मेरे ख्याल से इसके मीटर कंसोल को चेंज ही नहीं किया, शुरू से ही जो प्रोसेस पे रखा है वही प्रोसेस है। इसमें कुछ खास ज़्यादा दिया ही नहीं है, ना ही गियर इंडिकेटर दिया है और ना ही इसमें आपका टाइम दिया है, ना ही गियर इंडिकेटर दिया है और ना ही इसमें टाइम का कोई ऑप्शन दिया गया है। कई चीज़ें इसमें मिसिंग है, जो चीज़ बजाज ने शुरू से ही रखा हुआ था बस वैसा ही रखा हुआ है, सिमिलर कुछ भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ती है। जबकि आप 1 लाख रुपए की बाइक लेते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती थी बजाज, लेकिन बजाज ने ऐसा नहीं किया, तो ये भी मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे तरफ से। अब दोस्तों जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, इसके माइलेज के बारे में, तो माइलेज तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इस बाइक को माइलेज की वजह से लेना चाहते हो तो आप इस बाइक को बिल्कुल भी मत ले, क्योंकि ये माइलेज आपको एक्सपेक्टेड नहीं देगी। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना माइलेज ये बाइक आपको बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि इस बाइक में आपको 40 से 45, ज़्यादा से ज़्यादा देगी तो भी 50, उससे ऊपर आपको ये बाइक माइलेज बिल्कुल नहीं देने वाली, क्योंकि इसका वज़न ही ज़्यादा है। और ज़्यादा वज़न होने की वजह से, देखो जैसे आप 145 किलोग्राम बाइक का वज़न है और उसके बाद जब आप उस पर बैठोगे तो ये और ज़्यादा वज़न हो जाएगा। अगर आपको बाइक लेना ही है पल्सर में तो पल्सर 150 cc वाला, पल्सर 150 cc ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सिमिलर माइलेज देगी। ज़्यादा आपको पल्सर 150 से 125 सीसी में ज़्यादा माइलेज देगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप 150 ले सकते हो, क्योंकि पल्सर 150 जितना माइलेज देती है पल्सर 125 सीसी भी बिल्कुल वैसा ही माइलेज देती है, उतना ही माइलेज आपको दे देगी। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, देखो जब हमने 1 लाख से ऊपर खर्चा करना है तो पल्सर में कुछ मोबाइल चार्जिंग या मोबाइल होल्डर ऐसा कोई ऑप्शन भी देना चाहिए था, जो कि हीरो के पिछले एक वीडियो में मैंने बनाया था जो कि इससे भी सस्ता है। तो उस बाइक में भी मोबाइल चार्जर का सुविधा है, 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर सुविधा है, तो इसमें वैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बजाज को इम्प्रूव करना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई नेगेटिव पॉइंट पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग सके कि नेगेटिव पॉइंट इसके अलावा और है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार देख लीजिए कि आपने पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो में अंत तक रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही है कि आप मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, और ये जो सीन आप देख रहे हो ये इसी वीडियो का, जो वीडियो आज आपने देखा इसी वीडियो को कंप्लीट मैं बना रहा था। और पहली शूट तो ये थी जब मैंने पहली बार इस वीडियो को शूट किया था, ये वीडियो तब का है। बट इस वीडियो में गलती क्या हुई थी, इस वीडियो में ऑडियो क्लियर नहीं था। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये इसी वीडियो का शूट था, जो कि मैं अपने पल्सर को लेकर के गया था और पॉइंट पे जा करके मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो सब कुछ बढ़िया था लेकिन वीडियो का जो ऑडियो था वो बिल्कुल बेकार था। अब मैं आपको इसका ऑडियो सुना देता हूँ। वीडियो की भावना में खो जाए एक बार याद दिला दूं, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, आगे बढ़ते। यार इतनी मेहनत करने के बाद बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो 5 बजे को मैं उठा था सवेरे के टाइम पे, 5 बजे उठने के बाद फिर मैं शूट करने के लिए गया बाइक को लेकर के, और इतना कुछ मेहनत करने के बाद आपके लिए जब वीडियो मैं नहीं ला पाया तो सीधा सीधा मेरे सिर पे हाथ आ गया। तो मैंने सोचा यार चलो अगले दिन फिर ट्राई करेंगे। अगले दिन ट्राई किया, अब आप देख सकते हो इसमें ऑडियो क्लियर है लेकिन यार मुंडे कट चुकी है। अब ऐसे में आपको कैसे मैं दिखा सकता था इस वीडियो को, इसीलिए मैंने सोचा अब कहीं नहीं जाना है, अब सिर्फ हमने रूम पे बैठ करके ही वीडियो बनाना है। और पीछे मेरा बैकग्राउंड था, आपको पता ही है कि मैं पहले YouTube से रिलेटेड वीडियोस को बनाता था, तो ऐसे में मैंने वहीं पे बैठ करके उसी पे बैठ करके मैंने वीडियो के बारे में टोटल नॉलेज आपको दे दिया। और इतना मेहनत करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, मैं आशा करता हूँ इस बात का। दोस्तों मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोगों का सपोर्ट रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं अगले संडे को किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।